Hi guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well, right? तो इस वीडियो के अंदर हम लोग द इकोनॉमिक टाइम्स डिस्कस करेंगे जो है 17th of February 2023, right? इसके अंदर जो पहली न्यूज़ है वो है चैट जी पी टी से रिलेटेड. आई होप दैट यू ऑल आर अवेयर विद द वर्ड चैट जी पी टी, राइट? जो लोग अवेयर नहीं है वो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, और जो लोग अवेयर है वो प्लीज़ डेफिनेशन डालिएगा चैट जी पी टी की, राइट? तो इसके अंदर बोला है जो आईटी कंपनीज है हमारी, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी, वो मतलब ऐड करना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स फॉर देयर स्टाफ. ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, राइट? एंड नेक्स्ट इज द बजट टुक नोट ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स. ठीक है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने बोला है कि जो हमारा बजट है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी बजट के अंदर इंक्लूड करेगा. वो हम अभी देखेंगे कि कौन कौन से हैं, राइट? नेक्स्ट इज दैट All roads lead to ETGBS today. तो इसके अंदर क्या बोला है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो है वो अमृतकाल में हम लोग एंटर कर चुके हैं, तो इंडिया इंक्रीज विल टर्न ऑन वन फॉरम. तो उनको एक फॉरम बनाना है जिसके अंदर वो लोग अपना नेक्स्ट 25 ईयर्स का विजन जो है वो क्रिएट दिखा सके कि हम आने वाले 25 सालों में क्या चाहते हैं, राइट? ये कहाँ होगा? इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट में होगा, जो न्यू दिल्ली इवनिंग में होगा. और इसके अंदर पीएम मोदी जो है वो एड्रेस करेंगे ऑल द बिजनेस लीडर्स, एंटरप्रेन्योर, इकोनॉमिस्ट, पॉलिसी मेकर, राइट गाइस? नेक्स्ट इज ऑल टॉकिंग अबाउट लाइक विंडफॉल टैक्स ऑन द डोमेस्टिक क्रूड एंड एक्सपोर्ट ऑफ ATF, दैट इज़ एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड डीजल ट्रिम्ड. ठीक है, तो थोड़ा सा जो विंडफॉल टैक्स था हमारा उसके ऊपर लोकल क्रूड पे या फिर एक्सपोर्ट डीजल पे या ATF पे, वो थोड़ा सा कम हो गया है. और आपको अगर किसी को विंडफॉल टैक्स नहीं पता तो प्लीज़ कमेंट करिएगा. ठीक है, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. और जिसको पता है वो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि विंडफॉल टैक्स क्या होता है, बिकॉज यू हैव गूगल टू यूज इट, राइट? तो इसके अंदर उन्होंने बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर भी बता रखा है कि जो हमारा ATF विंडफॉल टैक्स ऑन डोमेस्टिक प्रोड्यूस क्रूड ऑयल पे जो कट है वो हमारा 4 रुपये हो गया है फ्रॉम 5 रुपये. पहले 5 रुपये पर टन था, नाउ इट इज़ 4. एंड अगर मैं ATF की बात करूँ तो वो पहले हमारा 6 था, 6 से हमारा क्या हो गया है 1.50 लीटर हो गया. एंड फॉर डीजल इफ़ यू टॉक अबाउट तो वो 2 हो गया है, 2 पर लीटर, पहले हमारा 7 था. ठीक है, और जो एक्सपोर्ट ऑफ द पेट्रोल कंटिन्यूज टू अट्रैक्ट 0 विंडफॉल टैक्स. ठीक है, तो उसके लिए हमारा विंडफॉल टैक्स 0 ही है एक्सपोर्ट ऑफ द पेट्रोल, राइट? और नेक्स्ट जो है वोटर टर्नआउट, मतलब जो भी हमारा वो मतलब जो त्रिपुरा के अंदर वोटर्स थे उसके अंदर बताया गया है थ्रू दी डेटा EC वोटर्स टर्नआउट ऐप दैट 83% जो वहाँ पे वोटर्स थे वो टर्नआउट हो गए हैं, राइट? नेक्स्ट इज़ दैट UK एंड US पुश फॉर डेवलपिंग फाइटर जेट इंजन फॉर इंडिया. तो इन्होंने आपस में कोलैबोरेशन कराया है, राइट? फॉर द टू द पावर नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, एक नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने के लिए इंडिया कॉम्पैक्ट के अंदर. और जैसे कि इंडिया की एक टॉक थी मतलब फ्रांस के साथ कि हम लोग एक साथ बनाएंगे, लेकिन वो अभी नहीं है. तो इसलिए तो इस चक्कर में मतलब UK और US वो अपने आप ही कोलैबोरेट करके एक इंडिया कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट बनाने की सोच रहे हैं, राइट? नेक्स्ट इज दैट टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज फ्लैश कंटेंट ऑफरिंग इन डेटा बैटल. वो कंटेंट ऑफरिंग कर रहे हैं. इसके अंदर क्या है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है दैट दी कंजप्शन ग्रोथ मॉडरेट कंपनीज लुक एट प्रोवाइडिंग एंड रिचर व्यूइंग एक्सपीरियंस. तो इसके अंदर हमारे जो मेजर 3 टेलीकॉम कंपनीज है कौन कौन सी है, दैट इज़ रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया, राइट? जैसे कि अगर वोडाफोन आइडिया की बात करें तो उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में 4K कंटेंट देना स्टार्ट किया, ऑडियो बुक एज अ पार्ट ऑफ देयर कंटेंट लाइब्रेरी. एंड एयरटेल के अंदर अगर देखा तो मतलब वो लोग सोच रहे कि हम लाइब्रेरी को और थोड़ा बड़ा कर दें ताकि थोड़ा और कंटेंट मिल सके लोगों को. और अगर हम जियो की बात करें तो वो भी अपने कंटेंट को स्ट्रेथन करने के लिए सोच रहा है, राइट? नेक्स्ट इज दैट SEBI सीक्स FNO ट्रेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देसी हैच फंड, दैट इज सिक्योरिटी बोर्ड एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. एंड FONO इज़ दैट फ्यूचर एंड ऑप्शंस. तो वो लोग सोच रहे थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले फ्रॉम दी हैच फंड्स, राइट? क्योंकि वो उनका जो पर्पस है इन्फॉर्मेशन लेने का वो यही है कि वॉन्ट डिटेल ऑन वेन डील्स आर कट, कि कब डील्स कट होती हैं एंड क्या रीजन्स है, राइट?
जो हमारा मेन है उसके अंदर बोल रहा है सेविंग में चेक, वो चेक करना चाहता है कि कितना, मतलब जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो एक्सपोजर है ऑफ अ फंड मैन स्ट्रेटजी आउटलाइन इन पीपीएम, दैट इज़ प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम के अंदर, ठीक है ना। और पीपीएम क्या होता है, दैट कंटेन्स ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द एआईएफ। व्हाट इज़ एआईएफ, ठीक है, एआईएफ जो होता है वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होता है, राइट। इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो, मतलब जितनी भी एआईएफ की इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे पीपीएम में होती है। तो हमारा मतलब जो सेबी है वो जानना चाहता है कि क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से कट हो रहे हैं, और कि क्या रीज़न्स हैं और कब डील्स हमारी जो होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं, राइट। एच डी एफ सी रेज ₹25,000 करोड़ बाय री बॉन्ड्स, ठीक है ना। और ये कैसे कर रहे हैं लोग, बाय सेलिंग दी डेट दैट इज शेड्यूल टू बी रिपेडेंट टिकेट, मतलब आने वाले कुछ सालों में वो पे कर देंगे, अपने डेट को बेच के ये लोग सोच रहे हैं, ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज दैट स्टॉक प्लेटफॉर्म ILRS रिलीफ फॉर द रिटेल इन्वेस्टर। मैं समझाती हूँ क्या मतलब है इसका। ये बोल रहे हैं कि जो नए स्टॉक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप आए हैं ना नए, उन्होंने गवर्नमेंट को बोला है कि हमें एग्जम्पशन चाहिए फॉर 20% ऑन द फॉरेन रेमिटेंसेज, जितने भी फॉरेन रेमिटेंसेज आते हैं ना अंडर द लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, ठीक है। LRS इज़ दैट लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर जो भी हमारे फॉरेन रेमिटेंसेज आते हैं उसके अंदर हम लोगों को 20% की एग्जम्पशन चाहिए। वो आने वाले जो नेक्स्ट हमारे स्टॉक प्लेटफॉर्म से ना उन्होंने बोला है, ठीक है ना। ये बेसिकली LRS फॉर द रिटेल होते, फॉर द रिटेल इन्वेस्टमेंट, जो मतलब जो इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं US के अंदर। और वो तो उसका रीज़न ये बता रहे हैं कि 15 लाख ही हम लोगों की अर्निंग है, राइट। 50% ऑफ द इन्वेस्टर जो US इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं उनकी जो इनकम है 15 लाख है, तो दैट्स वाई द डिमांडिंग फॉर दिस। सो दिस इज द बैड न्यूज़ दैट द हीट अ कंसर्न फॉर द वीट क्रॉप्स क्लाइमेट। यस, हीट की वजह से ना मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट इज अदानी टू रीफाइनेंस $2 bond प्रीपे शेयर प्लेजेस, ठीक है। उस बॉन्ड की जो वर्थ है वो हमारी है $1.2 billion, राइट, जो ड्यू इन 2024 है, तो वो पहले वो रीफाइनेंस कर रहे हैं, राइट। एंड ऑल्सो सीक टू रिपे $390 million लोन्स एट अडानी ट्रांसमिशन, तो वो उसको भी रिपे करने की सोच रहे हैं। एंड इसमें साफ साफ लिखा हुआ है दैट अडानी ग्रुप्स चीफ फाइनेंस ऑफिसर जो है रोबी सिंह एंड द हेड ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंस अनुपम मिश्रा, उन्होंने बोला है कि हम लोग फुल फाइनेंस प्लान की बात कर रहे हैं टू रीफाइनेंस अडानी ग्रीन एनर्जी, दैट इज जिसका वर्थ है $750 million, ठीक है, एट द रेट ऑफ 4% bond, राइट। और ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ गतिशक्ति पुश फॉर 4.5 lakh crore ऑफ द प्रोजेक्ट, तो जो प्रोजेक्ट गतिशक्ति का उसके लिए हमारे पास 4.5 lakh crore है की इन्वेस्टमेंट आई है, दैट इज़ पीएम गतिशक्ति, तो इट्स अ गुड थिंग, राइट। एंड दिस इज दैट पाकिस्तान पोलिश एंटिटीज इंक आर्म्स ट्रांसफर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो ये कुछ हेल्प के लिए, यूक्रेन के हेल्प के लिए ये लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज इज दैट एजुकेशन ऑफ द ट्राइबल चाइल्ड गवर्नमेंट प्रायोरिटी, प्राइम मिनिस्टर ने बोला, तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हम लोग ट्राइबल चाइल्ड की एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं, राइट। नेक्स्ट इज दैट बीजेपी जॉन्स विंस दिल्ली हज पैनल चेयर पोस्ट, इट्स अ गुड थिंग फॉर अ बीजेपी। गहलोत डिक्लेयर्स 1 lakh jobs फॉर 2023-2024, इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। जहाँ पे वर्ल्ड यहाँ पे पूरा का पूरा मैसिव ले ऑफ करने में लगा पड़ा है, वहाँ पे जो राजस्थान के CM हैं अशोक गहलोत, वो बोल रहे हैं कि हमारे पास 1 lakh job है, इट्स अ गुड वेरी वेरी गुड थिंग। ये कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट दिल्ली पुलिस, दैट 76th रेजिंग डे परेड ऑफ दिल्ली पुलिस नोटेबल ईयर फॉर द दिल्ली पुलिस इन लाइट ऑफ G20 summit। आई होप दैट यू ऑल आर क्लियर विद द G20 summit, जो हमारे अमित शाह उन्होंने बोला है, उन्होंने ये सिंपल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह उन्होंने बोला कि दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट ईयर है, राइट। जो भी मतलब दिल्ली पुलिस एज अ फोर्स विल हैव टू स्टे अलर्ट इन G20, ठीक है, जो कि हैपन होने वाली है सितंबर एंड अक्टूबर। और उन्होंने ये बोला है कि जो ये ईयर है ये वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब दो ईयर ऑफ 2023 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिल्ली पुलिस, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सिक्योरिटी एंड ट्रैफिक सिस्टम। एंड आई होप दैट इट्स ये पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा खास दिन है, क्योंकि इसके अंदर इंडिया को प्रेजिडेंसी मिली है G20 summit के अंदर, तो इट्स अ वेरी वेरी एक्सलेंट थिंग एंड अमेजिंग थिंग फॉर द होल इंडिया, राइट। एंड मेघालय अमंग द मोस्ट करप्ट, शाह ने ऐसा बोला, बिकॉज उन्होंने बोला है मनी मीन फॉर द सेंट्रल स्कीम डिसअपेयर विदाउट बेनिफिटिंग, मतलब वो गायब हो गया है बिना लोगों को हेल्प किए, तो इट्स ऐसा अमित शाह बोल रहे हैं, राइट।
एंड दैट आईटी सर्वे एट बीबीसी ऑफिस एंड फाइनली आईटी सर्वे जो हो रहा था बाय इनकम टैक्स ऑफिसर्स के थ्रू, ठीक है ना, इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट ऑफ मैराथन सेज दैट बीबीसी ऑफिस एंडेड ऑन थर्सडे फाइनली आफ्टर नियरली 60 आवर सेटलमेंट ऑफ सम स्टाफर्स रिकॉर्डेड एंड देन उसके बाद फाइनली एंड हुआ है. तो चलो अच्छी बात है, राइट. एंड देन तेलंगाना रिफ्यूजेज टू पे इट्स शेयर ऑफ अ स्मार्ट सिटी फंड. तो इस स्मार्ट सिटी फंड क्या है, इसमें मतलब ये बोल रहे थे भारतीय राष्ट्र समिति रन एक गवर्नमेंट के थ्रू एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था जिसके अंदर तेलंगाना जो गवर्नमेंट है उन्होंने मना कर दिया कि हम फंड्स नहीं देंगे फॉर इट्स स्मार्ट सिटीज़ के लिए, ठीक है ना, जो बेसिकली इफेक्टिंग द पेस ऑफ द प्रोजेक्ट अहेड, मतलब उन प्रोजेक्ट के लिए था जो 2023 में होने थे और उसकी डेडलाइन भी जून 2023 है. और ये मतलब इट्स अ फ्लैगशिप प्रोग्राम दैट इज़ कॉल्ड स्मार्ट सिटी मिशन. ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के थ्रू स्टार्ट किया गया था, राइट. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दैट अडानी स्टॉक राइज आफ्टर MSCI अलाउज स्पेशल ट्रीटमेंट एंड 3 हिट अपर लिमिट हैं और दीज आर द स्टॉक्स, ठीक है ना, और ये सारे स्टॉक्स हैं और जिसमें से ये जो 10 स्टॉक है इसमें से जो 6 स्टॉक है वो एंड इन द ग्रीन एंड इन ग्रीन ऑन थर्सडे. इट्स अ वेरी गुड फॉर द अडानी एंड दिस इज द होल न्यूज़, राइट. मतलब इसके अंदर बेसिकली जब अकॉर्डिंगली जो MSCI विल नॉट इम्प्लीमेंट एनी चार्जेस, वो कोई एनी चेंजेस एडिशन डेलीगेशन कॉन्स्टेंट फैक्टर यू नो चेंजेस इन नॉन मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्सेस कस्टम इंडेक्सेस सच एज MSCI फैक्टर और ESG. सो दैट NDTV अडानी बिलमार अडानी पावर अडानी पोर्ट अडानी एंटरप्राइज एंड अंबुजा सीमेंट. तो ये सारे छः ये मतलब जो है इनका प्रीवियस क्लोज मतलब बहुत ही अच्छे नोट पे हुआ था. HDFC raises 25 crore in India's largest rupee bond issue that we have already discussed, right? And then IT stock advanced for 3rd day. TCS hits 9-month high. It's a very good, you know, good amazing thing for the IT investors ki finally, hai na, matlab these are the company jinka matlab पॉजिटिव नोट पे एंडिंग हुई है. TCS टेक महिंद्रा इंफोसिस मतलब बहुत सारी कंपनीज का दिस आर द लिस्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है. एंड उस फाइनली मतलब और TCS का तो 9 month हाई है तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़. फाइनली निफ्टी IT इंडेक्सेस क्लोजेज एट द हाईएस्ट लेवल सिंस May 2022. मतलब तो बहुत बड़ी बात है. एनालिस्ट ऑप्टिमिस्टिक आफ्टर डील एंड विंस एंड 3rd quarter अर्न्स फॉर द IT पैक कम इन बेटर देन एक्सपेक्टेशंस. सो इट्स वेरी वेरी गुड, राइट. नेक्स्ट इज दैट शुभम गैंगवार सेल्स इंडिगो स्टेक फॉर ₹2.944 crore. तो ये कौन है, शुभम गैंगवार इज द प्रोमोटर ऑफ द इंटर ग्लोब एविएशन जो कि दैट रन्स इंडिगो एयरलाइंस. और उन्होंने अपने 50 million शेयर्स जो है जिसका वर्थ मतलब जिसका इक्विटी था 3.7 उन्होंने वो सेल कर दिए, राइट. एंड द शेयर ऑफ द SIP दैट सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग इन म्यूचुअल फंड AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट रेजेस टू रिकॉर्ड 70% इन January. तो इसमें यही लिखा है कि मतलब तो जो हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं रिटेल इन्वेस्टर उनका काफ़ी अच्छा इनफ्लो हुआ है शेयर ऑफ द म्यूचुअल फंड लिंक टू सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग इन द टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट. और ये जो है इंफॉर्मेशन इज पर द एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया AFI एंड दिस इज़ ऑल द फैक्चुअल डेटा यू कैन रीड बाई ओन, राइट. ये सारा फैक्चुअल डेटा है और आप ग्राफ देखिए, ग्राफ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है. यहाँ पर हमारे पास 2 table गिवन है दैट SIP AUM इन टोटल MF AUM एंड द SIP मंथली बुक. तो आप यहाँ से भी इंफॉर्मेशन डेटा ले सकते हैं. एंड अगेन बैंक ऑफ बड़ौदा एंड इंडियन ओवरसीज बैंक हैव हाइक द लैंडिंग रेट्स एंड उसी के साथ जो हमारे SBI है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिपॉजिट रेट उन्होंने भी मतलब इंटरेस्ट ऑन द लोन्स एंड डिपॉजिट पर देयर लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर PS स्टेट बैंक ऑफ बड़ौदा उनकी वो उन्होंने भी इंटरेस्ट हाइक कर दिए हैं, ठीक है. दिस इज़ अ वेरी नाइस कोट दैट आई फाउंड इन द न्यूज़ पेपर इज दैट ऑलवेज स्टे अलर्ट डू नॉट फॉल फॉर मिसलीडिंग प्रोमिसज ऑफ द गारंटी रिटर्न. तो मैंने इसे ग्रीन पेन से हाईलाइट कर रखा है and it's a very good you know good statement for those who are investors or future mein jisko investing ya investment karne ki soch rahe hain to unke liye line hai ye, please apne dimag mein hamesha yaad rakhiyega.
एंड प्लीज़ टेक द स्क्रीन शॉट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड मोंग हु ट्रेड, ठीक है? आपको बस टाइम मिलेगा तो आप प्लीज़ इसे रीड करना. नेक्स्ट इज दैट प्लानिंग ऑन एट कंपनीज कैपेक्स टू फॉलो. ये हमारा क्वेश्चन एंड आंसर राउंड है, तो अगर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है, ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर होता है प्रॉपर तरीके से. इसमें लिखा हो सिक्स टू पेयर नेट डेट एबिटा टू बिलो 3x. ये बेसिकली अडानी ग्रुप के लिए है. दैट अडानी ग्रुप हैज़ रीपेड 1.1 बिलियन वर्थ ऑफ द लोन्स अगेंस्ट इट्स शेयर लास्ट वीक, ठीक है? तो ये एक तरह से कॉन्फिडेंस देने के लिए, तसली दिलाने के लिए इन्वेस्टर्स ऑफ द अडानी की नहीं एवरीथिंग इज़ फाइन, ऐसा कुछ नहीं, हिडन वर्क ने जो बोला है वो सही ही हो, ऐसा इट्स नॉट कंपल्सरी, राइट? तो नेक्स्ट न्यूज़ इज़ दैट द capacity ramp up high realization tools per NMDC. What is NMDC is that ये हमारा भारत का सबसे बड़ा और iron ore producer है, right? जिससे मतलब has gained nearly 5%, मतलब 5% of the past two trading session after the third quarter result, ठीक है ना? और ये better than expected growth से आया है, ठीक है? net profit जो है 890 crore है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज 23%, डिविडेंड यील्ड इज 9%, ईवी अपॉन में इविडा इज 4%, पी रेशियो 6%. तो दिस इज दैट एंड एक्सीड स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन है, तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर NMDC एंड राइट. नेक्स्ट इज दैट सेबी मैंडेट्स ब्रोकर्स एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट टू मेंटेन वेबसाइट. इट्स अ गुड थिंग, ठीक है? जितने भी फॉल्स एंड फॉल्टी थिंग्स होती है उससे बचने के लिए अच्छा है, मतलब इट्स अ गुड थिंग फाइनली कि मतलब एक वेबसाइट रहेगी तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आराम से. अगेन दैट इज डेटा एपेटाइट इंपॉर्टेंट फॉर टू मोनेटाइज. ऑफकोर्स डेटा की भूख होनी बहुत ज़रूरी है अगर आपको मोनेटाइज करना है 5G, राइट? नेक्स्ट इज दैट पार्क होटल्स रिवाइव्स IPO प्लान्स आईज 15 crore, ठीक है? 1500 crore. तो जिसको IPO में इन्वेस्ट करना है प्लीज़ आप ध्यान देखिए, क्योंकि सितंबर में आई गेस लॉन्च होने वाला है. दैट इज़ APJ सुरेंद्र ग्रुप एंटिटी टू रिफाइल ड्राफ्ट पेपर्स इन मे एंड टारगेट टू लॉन्च इन सितंबर. सितंबर में लॉन्च होगा एंड ये क्या करता है, ये बेसिकली है हमारा APJ सुरेंद्र पार्क होटल विच रनस अ होटल, ठीक है? अंडर द पार्क एंड जोन बाय द पार्क ब्रांड्स. तो ये IPO आने वाला है हम लोगों का, इनका APJ पार्क होटल्स का, राइट? नेक्स्ट इज दैट बजट टुक नोट ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स. तो एक्सटर्नल फैक्टर्स यहाँ पे क्या है, ये जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, वो बोल रही हैं कि कॉन्शियस ऑफ द चेंजेस एक्सट्रेनियस टू इंडिया, मतलब जो बाहर है, ठीक है? वी शुड रेडी फॉर एनी अनप्रडिक्टेबल, किसी भी अनप्रडिक्टेबल इवेंट जो आने वाला है आउटसाइड ऑफ द बॉर्डर. तो जो भी एक्सटर्नल फैक्टर की यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, वो हमारा आउटसाइड ऑफ द इंडिया की बात कर रहे हैं. बियॉन्ड द कंट्रीज, अगर बियॉन्ड अगर इंडिया भी कोई चैलेंज आता है तो वी आर रेडी टू फेस इट. सो द नेस्ले इंडिया क्वार्टर फोर प्रॉफिट जम 66% टू ₹628 crore एमिड राइजिंग डोमेस्टिक सेल्स. तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब जो भी इसके इन्वेस्टर्स हैं प्लीज़ बी हैप्पी, ठीक है? बहुत बढ़िया वो काम कर रही है. और नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट में ऑल्सो कन्वर्ट वोडाफोन्स AGR एंड स्पेक्ट्रम ड्यूस इन टू द एंटिटी. क्यों ऐसा बोल रहे हैं, बिकॉज हो क्या रहा है कि दैट उन्होंने जब आफ्टर कन्वर्टिंग द वोडाफोन आइडियाज अक्रूड इंटरेस्ट और एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू दैट इज़ AGR, ठीक है, ड्यूज इन टू द इक्विटी. क्योंकि उन्होंने जो AGR है जो पहले वाले थे उसको हमने कन्वर्ट कर लिया गवर्नमेंट इन टू द इक्विटी. तो गवर्नमेंट में ऑल्सो कन्वर्ट द आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑन स्पेक्ट्रम एंड AGR, ठीक है? ऐसा बोला जा रहा है, राइट? क्योंकि ये सब रीजंस है, क्योंकि ऑलरेडी कवर कन्वर्ट कर चुकी है, तो दैट्स वाई द एनालिसिस सेज अबाउट दैट. इसमें लिखा हुआ 5G टू स्पर ग्रोथ इन यूजर डेटा कंजप्शन, तो वो तो होगा ही, राइट? वो तो होगा ही, बिल्कुल होगा, ठीक है? ओप्पो इन कमिटेड टू मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, बहुत बढ़िया बात है. निशान प्लान्स टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर फॉसिल फ्यूल व्हीकल्स, ठीक है? क्योंकि जो निशान मोटर कंपनी इज़ लुकिंग एट लेवरेजिंग इंडिया, तो वो बोल रहे हैं कि हम जो है एक ग्लोबल हब बनाएंगे, ठीक है ना, फॉसिल फ्यूल व्हीकल्स इन इंडिया के अंदर, ठीक है ना? एंड अश्विनी गुप्ता द CEO ऑफ द निशान, उन्होंने बोला है क्योंकि जापान के अंदर दे हैव अ टोगेची प्लांट फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड है, और इन US वन लाइन विल बी इलेक्ट्रीफाइड, इन चाइना वी हैव वन प्लांट इलेक्ट्रीफाइड. तो इस रीज़न की वजह से दे आर सेइंग कि हैविंग अ प्लान टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर द फॉसिल फ्यूल व्हीकल, ठीक है? इट्स अ वेरी वेरी गुड. रिस्क ऑफ द डेथ ड्यू टू द COVID-19% लोअर इन पीपल ऑलरेडी हिट, तो ठीक है, लेकिन बच के रहिएगा क्योंकि कोविड आ ही रहा है.
इंडिगोज कार्गो बिजनेस टेलर स्टार्टअप फेस सीईओ जो सीईओ हैं हमारे पीरस एल्बर्ट, उन्होंने भी बोला है कि हमारे लिए जो इंडिगोज कार्गो बिजनेस टोटली स्टार्टअप है, इसके उन्होंने रीज़न बताया बेसिकली कि इट्स बिकॉज ये रिलेटिवली न्यू बिजनेस है, बिकॉज हम लोगों ने कभी सप्लाई चेन इशूज़ नहीं हैंडल करें, और नेक्स्ट ये बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, मतलब बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, मतलब उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, बहुत ही अलग है, चेंजेस है, कॉम्प्लेक्स है, और बहुत ही चेंज होता हुआ बिजनेस है, तो इसलिए हम लोगों के लिए स्टार्टअप ही एक तरह से स्टार्टअप हैव अ यूनिक एक्सट्रापोलेशन फेस विद द राइट लीडरशिप मेथड ग्रोथ कैन बिकम द एक्सपोनेंशियल है। तो ये एक आर्टिकल है जो मतलब फ्यूचर एंटरप्रेन्योर या फ्यूचर जो इंसान सोच रहा है हमें स्टार्टअप करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल दे रहेगा। इन्होंने 3 स्टेजेस ऑफ द वेंचर ग्रोथ भी बता रखा है, दैट इज़ योर एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रापोलेशन एंड एक्सप्लोइटेशन। तो ये बहुत ही अच्छा है, दोज हु आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ गो थ्रू इट, मतलब जिसको भी एंटरप्रेन्योर बनना है इन फ्यूचर में तो वो उसके लिए बहुत ही अच्छा स्टार्टअप, मतलब बहुत ही अच्छा आर्टिकल दे रखा है। अडानी पावर कॉल्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ द डीबी पावर, मतलब अडानी पावर ने दोबारा बुलाया है डीबी पावर को, ठीक है ना, एक्वायर करने फॉर द एक्विजिशन ऑफ द डीबी पावर जो 7017 करोड़ के अंदर फिक्स हुई थी, और एक बार वो डेडलाइन ऑलरेडी मिस कर चुके जो वेनसडे को थी। लेट सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। दिस इज़ द आर्टिकल अबाउट द MSME दैट इज मिडल स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज सेक्टर एंड ग्रोथ इंजन ऑफ द इकॉनमी। दिस इज़ द वेरी गुड आर्टिकल, ठीक है, दैट ग्रोथ इंजन ऑफ द इकॉनमी, ऑफकोर्स दे आर द ग्रोथ इंजन। एंड दिस इज द अनदर आर्टिकल दैट आई पर्सनली रिकमेंड यू, प्लीज़ रीड इट, टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस एंड प्लीज हैव अ यू नो सम स्पेंड सम टाइम ऑन दिस आर्टिकल। द आर्टिकल हेडिंग इज सो मच यू नो अमेजिंग, लाइक फर्स्ट फिक्स व्हाट कैन बी फिक्स्ड, ठीक है, पहले आप उस पर ध्यान दीजिए जो आप फिक्स कर सकते हैं, ठीक है ना, वाई वेस्ट योर टाइम ऑन सच थिंग विच आर यू नो बियॉन्ड द कंट्रोल। तो ये आर्टिकल मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, आप इसे प्लीज़ पढ़िएगा, राइट, ये आपको न्यूज़ आर्टिकल में मतलब मिल, आप गूगल पे भी मिल जाएगा आराम से, अदरवाइज यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। सो विद दिस नोट दैट फर्स्ट फिक्स व्हाट कैन बी फिक्स्ड, आई कैन जस्ट एंड विद यू परमिशन साइनिंग ऑफ फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दैट यू रियली एंजॉय दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन डू कॉमेंट बिलो एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, बाय बाय गाइस, टेक केयर।